पुरुषार्थ का कण कण और जीवन का क्षण क्षण लगाने वाले दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी, आवास एवं शहरी विकास मंत्री, मध्यप्रदेश सरकार के नगरी विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, दुर्गा शंकर मिश्रा जी, और इस कार्यक्रम को पूरे मध्य प्रदेश में पहले से जिनने प्री रजिस्ट्रेशन करवाया ऐसे 23,25,000 और इससे भी कई गुना ज्यादा आज प्रधानमंत्री जी को सुनने वाले मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आधुनिक भारत के निर्माता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप जहां भी हैं वहीं बैठे बैठे ताली बजा के एक बार हमारे सम्मानी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। सचमुच में संकट के समय में, वैसे तो पिछले 6 सालों में भारत की जो प्रगति और विकास की, जो नई गाथा आपने लिखी है, उसके लिए आपका अभिनंदन। संकट से कैसे राह निकालना चाहिए और चुनौती को कैसे अवसर में बदलना चाहिए, ये आपसे सीखने मिलता है प्रधानमंत्री जी। और कोविड काल में जिस कुशलता से हर परिस्थितियों में देश की 130 करोड़ जनता के कल्याण के लिए आपने जो काम किया है वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और उसमें भी सबसे पहले वो जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे और हमारे सबसे गरीब भाई और बहन थे, सबसे पहले 1,75,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण पैकेज आपने माननीय प्रधानमंत्री जी दिया, जिसने गरीबों को संबल प्रदान किया। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली, कोई गरीब लॉकडाउन के दौरान भी भूखा ना सो पाए, इसलिए 80 करोड़ गरीबों को निशुल्क राशन प्रदान करने का महाअभियान आपने चलाया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और नवंबर तक उसकी तिथि आपने बढ़ाई। माननीय बहनों और भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो जिले जहां सर्वाधिक प्रवासी मजदूर आए थे देश के, जिनमें मध्य प्रदेश के भी 24 जिले शामिल हैं, वहां कोई रोजगार के बिना ना रहे, और इसलिए उनको रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश के 24 जिले भी चुने, मनरेगा के बजट को बहुत ज्यादा बढ़ाया अभूतपूर्व ढंग से। उसके लिए हमें संतोष है कि संकट की घड़ी में सबको रोजगार मिल रहा है। राज्य सरकार के भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण उनकी योजना से गरीबों को दे पाने में सफल हुई है। आपने एक नया मंत्र दे दिया देश को, आत्मनिर्भर भारत। इन कठिन परिस्थितियों में जब सचमुच में नेतृत्व की परीक्षा होती है, चुनौती को अवसर में बदलते हुए आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। बहनों और भाइयों, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसके लिए हमने विस्तृत विचार विमर्श किया है वेबिनार के माध्यम से नीति आयोग के साथ मिलकर। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास मैं भेजूंगा और उनके आशीर्वाद के बाद फिर 3 साल का हम रोड मैप तैयार करेंगे। लेकिन आज मेरा मन बहुत हर्षित है, प्रफुल्लित है, इसलिए कि समाज का वो वर्ग, व्यापार करने वाले सबसे गरीब भाई और बहन, जो सड़कों पे, गलियों में सर पर टोकरी रख के, हाथ ठेला में सड़क के किनारे बैठकर फुटपाथों पर अपना छोटा मोटा व्यवसाय चलाते, लॉकडाउन ने उनकी आजीविकाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मेरी कई पथ विक्रेताओं से बातचीत हुई, अगर प्रधानमंत्री जी ये स्वनिधि योजना नहीं लाते तो उनका क्या होता। मध्य प्रदेश में मुझे कई लोगों ने बताया कि अगर वो किसी प्राइवेट पैसा देने वाले से, लोन देने वाले से लोन लेते तो पठानी ब्याज वसूला जाता है, लगभग 20 से लेकर 25% 30% महीने तक, मतलब 100 रुपया लेते तो हर महीने उनको 125 या 130 देना पड़ता। 10,000 की अगर गणना करें तो
3.5 महीने में ये राशि दुगनी हो जाती, वो या तो ठीक से व्यवसाय कर ही नहीं पाते, या फिर ये ऋण अगर वो चुकाते तो उनके पास आजीविका के लिए कुछ बचता नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अद्भुत योजना स्ट्रीट वेंडर के लिए, आप लोगों के लिए लेके आए, जिसमें 10,000 रुपए तक का ऋण, जिसकी गारंटी भारत सरकार लेगी, प्रधानमंत्री जी की सरकार लेगी, और जिसमें ब्याज भी 7% भारत सरकार चुकाएगी। और इसमें एक अद्भुत बात और है, अगर डिजिटल पेमेंट करेंगे तो 100 रुपया महीने का और लाभ मिलेगा, और 1200 रुपया एक साल में मिलेंगे तो आपका कुछ भी नहीं लगेगा बिना ब्याज के। और एक साल में अगर सबने चुका दिया तो अगले साल 10,000 के बजाय 20,000 मिल जाएंगे। ये योजना सचमुच में हमारे गरीब पथ विक्रेता भाइयों और बहनों के लिए एक वरदान है। हमने जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा की थी, हमने तत्काल अपना पोर्टल बनाया, कुल मिला के 8,78,000 आवेदन हमें प्राप्त हुए, उनमें से हमने सत्यापित भौतिक सत्यापन किया, और 4,51,000 जो हमारे पथ विक्रेता थे उनको हमने परिचय पत्र जारी किया, प्रमाण पत्र जारी किया। बैंकों में जो प्रस्तुत प्रकरण है 2,55,000 हमने प्रस्तुत किए, उनमें से 1,56,000 स्वीकृत हो गए, और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आपकी कृपा से आज जो वितरित प्रकरण है, आज के दिन ही 1,08,000 पथ विक्रेताओं के खाते में ये 10,000 रुपए की राशि मेरे बहनों और भाइयों पहुंच जाएगी। इस योजना ने आपके जीवन में खुशियों का नया रंग भरा है। और मेरे वो भाई बहन, ये बाल काटने वालों, पॉलिश करने वालों, चूड़ी कंगन बेचने वालों, सब्जी बेचने वालों, चाय के ठेले वालों, पान की गुमटी वालों, नाश्ते की दुकान वालों, चाट के ठेले वालों, मूंगफली बेचने वालों, नमकीन बेचने वालों, आइसक्रीम बेचने वालों, झाड़ू बेचने वालों, कबाड़ा बीनने वालों, पंचर जोड़ने वालों, आप सबकी जिंदगी बदलने का ऐतिहासिक काम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनका इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लोगों की जिंदगी बदलने वाले प्रधानमंत्री आज हमारे बीच है, सचमुच में भारत को वो भगवान का वरदान है। और इस संकट के समय, समय विषम है, डगर कठिन है, जाना भी उस पार है, छोड़ चलो यह रीत पुरानी, राह नई तैयार है, आपका व्यवसाय चलाने की नई राह माननीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार की है। और इसलिए एक बार मैं फिर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जो पथ विक्रेता भाई और बहन रह गए, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आश्वस्त करता हूं कि जो भौतिक सत्यापन हमने किया है, जिनने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनमें से एक एक को पथ विक्रेता प्रधानमंत्री स्वनिधि की योजना से लाभान्वित करके आपका व्यवसाय चलता रहे, इसमें हर संभव प्रयास मध्य प्रदेश सरकार करेगी। प्रधानमंत्री जी की हर योजना को हम आदर्श तरीके से जमीन पर क्रियान्वित करें, इस पर हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार प्रधानमंत्री जी को प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थित स्ट्रीट वेंडर से संवाद के लिए सादर अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम इंदौर जिले के सांवेर नगर में स्थित लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर श्री छगनलाल वर्मा जी को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। छगनलाल जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते छगनलाल जी, बताइए अपने विषय में, पहले बताइए जरा आप क्या काम करते हैं। जी सर, मैं थोड़ा सा माननीय श्री हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को कोटि कोटि दिलो जान से पहले तो मैं नमन करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। हाँ बताइए। जी सर, मैं एक छोटा सा गरीब परिवार से एक झाड़ू का व्यवसाय करता हूँ, इससे सर आपकी जो स्वनिधि का मुझे लाभ मिला है, उससे जो लॉकडाउन में जो मेरी परेशानी हुई थी और धंधा नहीं चल पा रहा था, उससे मेरा वापस नए सिरे से धंधा चालू हो चुका। दिन भर में कितने झाड़ू बना लेते हैं आप?
सर ये दिन भर में करीबन 50 या 60 झाड़ू मिलके हम परिवार सहित बीवी बच्चे मिलके बना लेते और जिसके बाद में दूसरे रोज हम पेरी पे निकल के बेचने निकल जाते। नहीं तो ये परिवार में बच्चों को पढ़ाते नहीं है, झाड़ू बनवा देते हैं। नहीं सर, पढ़ते भी नहीं बच्चे, सर पढ़ते भी है बच्चे। अच्छा। हाँ सर, तो आपकी श्रीमती जी भी माइक लेके बैठी है, उनको कुछ कहना है? जी सर कहना है, तभी तो आपके दर्शन के व्याकुल है। बताइए बताइए। प्रणाम सर, मेरा प्रणाम सर श्री मोदी जी को जान से प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। बताइए। ये झाड़ू का काम करते हैं सर, हम यहाँ भी मिलके बना लेते हैं झाड़ू। तो आप एक ही प्रकार के झाड़ू बनाते हैं कि अलग अलग प्रकार के बनाते हैं? आप खजूर के उस पत्तों पर से बनाते हैं? हाँ सर, खजूर के पत्ते की झाड़ू बनाते हैं। तो कहाँ से मिलता है पत्ता वगैरह आपको? ये पत्ते हम किसान से खरीद के लाते हैं। तो पैसा कैश एडवांस देना पड़ता है कि बाद में देते हैं? सर ये इससे धंधा करने के बाद में हम वही तो उजमा के ना उनको किसान को पैसे दे के फिर लाते। एक झाड़ू बनाना है अगर आपको और आपको ये सामान बाहर से लेना पड़ता है तो कितना खर्चा आता है? सर अब ये तो झाड़ू तो जैसे बनाने का कार्य है, बाकी ये जैसे खजूर की पत्ती भी खरीदते हैं और जिसके बाद में इसके अंदर जो पाइपिंग लगती है, ये वाली पाइपिंग सर, ये पाइपिंग भी बाजार से खरीदनी पड़ती है। इसके अंदर जिसके बाद में जो तार लगता है, तार ये लोहे वाला, ये भी खरीदना पड़ता है, और नाइलॉन आता है बारीक, ये तो वो भी खरीदना पड़ता है। क्या कभी आपने ये सोचा कि जब किसी को झाड़ू बेचते हो और अगर उसका जो पुरानी झाड़ू का पाइप ठीक हो तो आप उसको कहोगे अगर पुराना पाइप हमको वापस देते हो तो आपको 4 आना 8 आना रुपया पैसा हम कम लेंगे झाड़ू का, और पुराने पाइप ले वापिस लेकर के फिर उसमें नया झाड़ू बना करके बेचे तो आपके पैसों की बचत होगी क्या? सर वो ऐसा भी हो सकता है, परंतु जैसे कि वो पाइप झाड़ू के साथ में वो पाइपिंग भी नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है इतनी जल्दी। हाँ सर, वो पाइपिंग खराब हो जाती है ना सर, जैसे किसी ने इस्तेमाल किया बाहर रख दिया या इसका पेड़ रख दिया तो खराब हो जाती है। नहीं, पहले से आप कहोगे तो रखे रखेंगे, और पुरानी झाड़ू है वो वापिस देंगे आपको, और नई झाड़ू ले लेंगे तो पुरानी झाड़ू का जो पाइप है वो आपको बहुत कम खर्चे में काम आ जाएगा। ठीक, कभी सोचिए आप। नहीं सर, इस चीज पे ऐसा कोई विचार नहीं किया सर। कभी सोचा नहीं था? हाँ ऐसा सोचा नहीं था कि चलो दो कुछ हमको बचत के हिसाब से उनको वातावरण करे। देखिए हमारे देश में तो ये जो रिसाइकलिंग जिसको कहते हैं ना आजकल, वो हमारी सदियां पुरानी बातें हैं। अब देखिए माताएं घर में साड़ी पुरानी हो जाएगी तो उससे गद्दा बना देगी, गद्दा पुराना हो जाएगी तो उसको पोछे के लिए उपयोग करेगी, यानी एक भी चीज खराब नहीं होने देती है। अगर आपने भी अपने व्यवसाय में इन चीजों को जोड़ दिया तो जरूर आप देखिए कि आपकी कमाई भी बढ़ेगी। ठीक सर, यही चाहते हैं। अच्छा, सरकार जो गरीबों के लिए व्यवस्था करती है घर की, बिजली की, गैस की, क्या आपको भी इसका कोई लाभ मिला है क्या? जी सर, हमें तो इस हर चीज का प्रॉपर पूरा लाभ मिला सर। कैसा जरा बताएंगे? जी सर, पहले हमारे शुरू स्टार्टिंग से ऐसे हमारे पास में गैस चूल्हा नहीं था, तो हमारी जब वाइफ, जैसे मकान भी कच्चा था हमारा, मिट्टी का, ऊपर बरसात ही पड़ी थी तो कच्चा मकान था हमारा, और चूल्हा भी कच्चा ही था, और ये लकड़ी पे रोटी बनाती, खाना बनाती, तो मतलब ये चूल्हा फूक फूक के इनकी आंख ऐसी लाल चोट हो जाती, पूरी सूज जाती खाना जब तक बनता है तब तक। और अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी की आपकी जो आशीर्वाद से हमारी पत्नी को उज्ज्वला भविष्य का हमें जो प्रदान किया आपने, उसमें चूल्हा है और एक टंकी प्रदान हुआ। अब हमारी जो वाइफ की
ये स्थिति खत्म हो गई, इससे कोई चूल्हे में फूकते थे, आज हम पक्के चूल्हे पे खाना बना के खा रहे निश्चित। आपकी पत्नी को तो फायदा हुआ, लेकिन आपको भी हुआ होगा, गरम गरम खाना मिलता होगा, जल्दी जल्दी खाना मिलता होगा। हाँ सर, खाकर अगर मिलता नहीं, अगर तीन चार बार चाय पीनी है तो बन जाती होगी। चाय तो आजकल तीन चार बार तो चली रहती है काम धंधे वाले। चलिए, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो योजना है उसमें आपको क्या फायदा हुआ है, प्रधानमंत्री स्वनिधि में क्या फायदा हुआ है आपको? सर, प्रधानमंत्री स्वनिधि में मुझे ये फायदा हुआ कि जो मेरा लॉकडाउन से पहले जब से धंधा कुछ चलता था, और जो लॉकडाउन के बाद में सर जो मेरा धंधा बिल्कुल नष्ट ही हो गया मतलब, और उसमें मुझे बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि परेशानी जैसे पात्रता पर्ची है मेरे पास में, तो ना आज तो मुझे पात्रता पर्ची पे जैसे एडवांस में ही मिला था लॉकडाउन से पहले, तो ना आज वो जिसके बाद में जो खाने पीने राशन की इस चीज़ की व्यवस्था में मुझे बहुत परेशानी देखनी पड़ी, और जो मेरा धंधा था वो भी बिल्कुल बंद हो गया। अब बंद क्या सर, लॉकडाउन में घर से बाहर तो जा नहीं सकते, तो अब ये हमारा धंधा है फेरी से घूमने के बेचने का ही, इसलिए बहुत सारी तकलीफ है। और जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत घर खर्चे में लोगों से जैसे कर्ज भी करा था, ये 4 से 5 हज़ार रुपये जो मैंने कर्ज भी करा था घर राशन में, और ये स्वनिधि योजना से सर मुझे इतना लाभ हुआ, और मतलब इतना फास्ट हुआ ये मेरा काम कि जैसे मेरा जो कर्ज था मैंने वो भी चुका दिया, और बिल्कुल बेरोजगारी हो गया था लॉकडाउन में, तो मैं जो बाकी के जो पैसे बचे थे मेरे पास 4 या 5 हज़ार रुपये, उससे मैं सर थोड़ा खजूर की पत्ती लाया, खजूर की पत्ती ला के मैंने थोड़े से धंधे से मेरा धंधे का रोटेशन शुरू कर दिया। सर अभी मुझे इतना लाभ मिला स्वनिधि योजना से। तो पहले लोगों से ब्याज से पैसे लेते थे साहूकार से? हाँ सर, कभी माल में या इसमें कोई हमें लाने में दिक्कत आ जाती, पैसा नहीं रहता, तो जैसे कोई साहूकार रहता है उनसे हम 1% या 1% के हिसाब से हम उनसे ले लेते, और जो हमके धंधा करके और जो वो बचते थे हम उन्हें दे के ऋण मुक्त हो जाते। छगनलाल जी बच्चों को पढ़ाएंगे? जी सर, पढ़ाने की तो काफी उम्मीद है, क्योंकि हम झाड़ू बना रहे ऐसा वो तकलीफ नहीं रहे, हम जैसे गरीबी में हमारा दिन गुजारा कर रहे हैं ऐसे वो गरीब बन के नहीं गुजरे, वो भी कुछ उन्नति करे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं उस कुर्सी के नीचे एक प्लास्टिक के बोतल में है पानी जी। अब मैं दुनिया को समझा रहा हूँ कि भाई ये सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कीजिए। क्या आप घर से मटका लेकर के अपने ये लॉरी के नीचे रख करके नहीं उपयोग कर सकते? इसे कर सकते हैं। हाँ, प्लास्टिक बंद करना चाहिए जी सर। करेंगे? कर देंगे नहीं सर? आपको लगेगा ये मोदी जी तो कुछ कुछ काम दे देते हैं। नहीं नहीं, काम नहीं सर, ये प्लास्टिक तो जैसे ऐसे भी हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है। हाँ, पर ठीक, अच्छी राय दी सर आपने। देखिए, मुझे विश्वास है कि सही समय पर बैंक से जो मदद आपको मिली है उससे आपके परिवार को संबल मिलेगा, और मुझे विश्वास है कि आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। एक तो डिजिटली ही सब करना सीख जाएंगे, मोबाइल फोन से पैसा लेना पैसा देना, और इसके कारण आज भले 10,000 रुपया मिला, आपकी इज्जत इतनी बढ़ जाएगी बैंक में, फिर बैंक वाले कहेंगे आप 15,000 ले जाओ, बैंक वाले कहेंगे 20,000 ले जाओ, धीरे धीरे आपका कारोबार बढ़ सकता है। तो आप इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी सर, हम भी यही चाहते हैं कि इससे 1 से 10 गुना हम आगे बढ़े। चलिए, बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। अगला, अब मैं ग्वालियर नगर में स्थित लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर श्रीमती अर्चना शर्मा को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते अर्चना जी। नमस्ते अर्चना जी। नमस्कार सर, माननीय मोदी जी के लिए मेरी तरफ से नमस्कार सर। नमस्ते। इन बच्चों का नाम क्या है? बच्चों का नाम क्या है?
बोलो अंशु शर्मा। और ये बेटी अंशु शर्मा। हाँ जी सर। क्या नाम बेटी? क्या नाम बेटी? आकांक्षा शर्मा। अच्छा तो आप लोग पढ़ने के सिवाय और क्या काम करते हो? पेंटिंग करते हो, गाना गाते हो, पेंटिंग करते, खेल कूद में भाग लेते हो? नहीं पेंटिंग करते हैं। क्या बना है पेंटिंग में अब तक? अच्छे से अच्छा कौन सा पेंटिंग बना है? भैया का चित्र बनाती होगी? फ्रेम बनाई थी मैंने। अच्छा अर्चना जी, अर्चना जी आप पतिदेव क्या करते हैं? जी सर वो पहले ठेला चलाते थे, सब्जी का ही ठेला लगाते थे सर, पर अभी मतलब थोड़ी तबीयत खराब, स्वास्थ्य सही होने के ना कारण है ना वो घर में ही रहते हैं सर अभी। तो सारा कारोबार आपने संभाल लिया? जी जी सर। तो घर भी संभालती हो और टिक्की सेंटर भी संभालती हो? जी। तो टिक्की सेंटर खाने के लिए लोग आते हैं, उसका समय क्या होता है, ज्यादा भीड़ कब होती है? अर्चना जी सुनाई नहीं दे रहा है आपका? जी जी। ये टिक्की खाने के लिए जो लोग आते हैं, ज्यादा लोग कितने बजे आते हैं? ज्यादा लोग आते हैं सर वो 2 बजे के बाद। अच्छा हाँ। तो कभी हम ग्वालियर आए तो हमें टिक्की खाने को मिल जाएगी? जी बिल्कुल मिलेगी। अच्छा क्या विशेषता है आपकी टिक्की और कई टिक्की वाले तो होंगे, आपकी टिक्की ज्यादा बिकती है इसका कारण क्या है? जी अब वो तो सर खाने वाली जनता को पता होगा कि क्या सर कारण क्या है। देखिए आजकल ये जो इस प्रकार से खाने के स्टॉल लगाते हैं, बेबी हाइजीन के लिए बहुत ही अच्छे प्रयास कर रहे हैं, हाइजीन के जितने नियम हैं उसका पालन करते हैं और उसके कारण लोग उन्हीं के यहाँ जाना पसंद करते हैं, लोग वहीं से लेना पसंद करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आपने भी बहुत ही साफ सुथरा अपनी सारी व्यवस्था रखी है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपके यहाँ ज्यादा लोग आते होंगे। और आपको पता होगा अब आपके पतिदेव बीमार है और मैं चाहूंगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन आपको मालूम है कि आयुष्मान भारत योजना चल रही है, गरीब परिवार को अगर बीमारी हो जाए तो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना चल रही है, क्या उसका पता है आपको? मेरे पति का इलाज उसी से चल रहा है सर। अच्छा उसी में चल रहा है? जी जी सर। तो डॉक्टर अस्पताल सब जगह से ठीक मदद मिल रही है? मिल रही है। तो अभी आपको पैसों का खर्चा नहीं हो रहा है ना? नहीं कोई खर्चा नहीं हो, पूरा संभाला जा रहा है? जी जी पूरा संभाला जा रहा है। देखिए कोई तकलीफ है तो आप मुझे भी चिट्ठी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पतिदेव जल्दी ठीक हो जाए तो ये आप इन बच्चों को समय दे सकें और हमें भी अच्छा लगेगा। ये जब योजना आई, इतना बड़ा जब आपके सामने एक तरफ आजीविका का संकट आया और आपको ठेला लगाने के लिए इस प्रकार से बाजार में खड़े रह करके व्यापार करने की बात आई, ये हिम्मत और ये विचार आप में कैसे आया अर्चना जी? सर भगवान की कृपा से सर, आप लोगों की मदद से सर, सारे अधिकारी सभी के सब मदद से। लेकिन शुरुआत में पैसे लगे होंगे, पूंजी लगी होगी, तो क्या किया आपने? पूंजी तो सर जो आपके 10,000 रुपए का लोन आया था सर, उससे मैंने सर दोबारा चालू किया। पहले मेरा लॉकडाउन में सर धंधा बंद हो चुका था, फिर मैंने ये आपके जो 10,000 का लोन मुझे बैंक से मिला उसके बाद मैंने दोबारा चालू कर लिया। तो ये पैसा लेने में कोई दिक्कत आई क्या बैंक से आपको? दिक्कत नहीं आई। आपको पता कैसे चला ये पीएम स्वनिधि योजना आई है और पैसे मिलते हैं, ये कैसे पता चला आपको? पास के लोगों से सर, ठेले वालों से पता चला था। अच्छा। कोई ऐसा फॉर्म भरा जा रहा है 10,000 का लोन का सर, वो भी मैंने नगर निगम जाकर सर कागज लगाए, वहां से मुझे बताया कि आपका फॉर्म मतलब पास हो चुका है लोन, सेंट्रल बैंक वालों ने सर मुझे ये पैसा दिया। तो आपको कोई भागदौड़ कोई परेशानी नहीं हुई? परेशानी नहीं हुई। तो पैसे मिल गए? जी मिल गए। तो इन पैसों के कारण अब आप अपना काम अच्छे ढंग से कर पा रही हो? देखिए अर्चना जी आपने बड़ी बहादुरी के साथ ये मुश्किल समय में अपने परिवार को भी संभाला है, आप जैसी बहनें बेटियां पूरे समाज को प्रेरित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं।
मेरी प्रार्थना है कि आपके पति का स्वास्थ्य जल्द ठीक हो जाए और आपके दोनों बच्चे बहुत पढ़ लिख करके आगे बढ़े। उनके अंदर जो कौशल है, शक्ति है, सरकार की कई योजनाएं होती हैं, इन बच्चे उसका फायदा उठाएं और बहुत आगे बढ़े। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। सर, दो मिनट आपसे मेरे पति बात करना चाहेंगे। दीजिए दीजिए दीजिए, आए हैं वहां? बुलाने जल्दी। कैसे आएंगे वो? जी आ जाएंगे सर, वो आ गए थे कह रहा तो जी आ गए। क्या शुभ नाम है उनका? जी सर, मेरा नाम राजन शर्मा है, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। तो अभी तबीयत ठीक है राजन जी? आपकी आवाज बंद हो गई राजन जी। हाँ जी सर, मेरा आराम मिल गया है मुझे अब। हाँ हाँ जी सर, सब हॉस्पिटलों के सहयोग से आयुष्मान का, आपका आयुष्मान कार्ड से, उससे बहुत लाभ मिल गया है। आयुष्मान भारत का पूरा लाभ उठाइए, लेकिन बीच में से बीमारी में तबीयत का काम, अब जाना है, ठेला चलाना है, चलो हम निकल जाते हैं, ऐसा मत करना, पूरी ट्रीटमेंट कर लेना। देखिए अर्चना जी, आप भाग्यवान है, आपको ऐसी पत्नी मिली है, ऐसे सुंदर बच्चे मिले हैं, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे आप। साहब चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं भैया। हाँ जी, अच्छा, रायसेन जिले। हाँ, अब मैं रायसेन जिले के सांची नगर में श्री डालचंद कुशवाहा जी को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। माननीय जी प्रधानमंत्री को डालचंद का नमस्कार। सर नमस्ते भैया जी। डालचंद जी बताइए। जी सर, ये पास काफी सब्जी का ढेर लगा हुआ, बहुत बढ़िया ढंग से आपने सजावट की है और कोई फोटो भी लगाई है, है? जी सर। तो बताइए जरा, क्या करते हैं आप, कैसे करते हैं सर? सर मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ, मंडी से खरीद के लाता हूँ सर कुछ, और अपने किराए से जमीन लेके उसमें सब्जियों को आके बेचता हूँ सर ठेला पे, और कहीं फेरी लगा लेता हूँ सर, घर पे रोड पर रख के बेचता हूँ सर मैं। अच्छा, जमीनी किराए पर ले ली आपने? जी सर। अच्छा जी, तो कितनी जितनी सब्जी पैदा होती सारी की सारी आप बेचते हैं कि और लोग भी हैं जो आपके यहाँ से ले जाते हैं और बेचते हैं? नहीं सर, मेरे पास उतनी जगह है, मेरी सब्जी जो बिक जाती है, जो मैं सब्जी लगाता हूँ वो मैं बेच लेता हूँ, इतनी सब्जी हो जाती है सर। अच्छा, जो लोग सब्जी खरीदते हैं उनको ये मालूम है कि ये सब्जी आपके ही खेत से आप लेके आते हैं, ताजा सब्जी लेके आते हैं, और आप केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग किए बिना सब्जी पैदा करते हैं, ऐसा कुछ है क्या विशेष आपका? जी सर, मेरा सर रोड पर ही जमीन किराए से ली हुई है मैंने, जैसे कि सब मैं रोड पर ही रख के बेचता हूँ शाम के टाइम, तो सब लोग निकलने वाले जाते हैं तो देखते हैं कि ताजा सब्जी है भाई, पेड़ में से निकल रही है अभी, ताजा तो ले लो, और अच्छे दाम में बिक जाती है सर। आप ये केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं या अपना जैविक खाद उपयोग करते हैं? जैविक खाद सर, मेरे पास एक गाय है भैंस, उसका अभी गोबर जो है खेती में डालते हैं। देखिए भाई, आप तो फिर तो बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं, आपने बड़ा बोर्ड लगना चाहिए कि मेरा जो ये सब्जी है वो ऑर्गेनिक है, तो आपके शहर के डॉक्टर भी आपके यहाँ लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे खरीदने के लिए। जी सर, वो तो लोगों को मालूम है आप ये ऑर्गेनिक सब्जी बेचते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल। देखिए ये तो बहुत बड़ा काम किया है आपने, आपने बड़ा रिवॉल्यूशन किया है। जी, भोपाल से जो सरकारी लोग कर्मचारी लोग अपने विदिशा सांची में काम करने के लिए लॉकडाउन के टाइम बाइक या मोटरसाइकिल से आते थे, तो उस टाइम पे वो भी भोपाल के लेके जाते थे, क्योंकि उनको भोपाल में जो है ऐसी सब्जी नहीं मिलती है, तो उसकी सर अच्छा पैसा भी मेरे को मिल जाता था और जल्दी जो है सब्जी मेरी बिक जाती थी। कोई लोग तो बैंक वाले या कोई भी मैनेजर साहब मेरे को फोन लगा के बोलते थे, भैया कितनी सब्जी, 10 किलो भिंडी या 2 किलो लौकी, 4 किलो टमाटर आप पैक करके रखना, मैं आते समय पे ले जाऊंगा, तो पैसे जो है अपन को मिल जाता था सर। तो ये बैंक वाले आपके यहाँ से सब्जी ले जाते थे? जी, पैसे दे करके ले जाते थे, लेकिन उनको कभी मन नहीं किया कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको बैंक से लोन दे दें? सर वो जल्दी में रहते थे तो उतना ही टाइम मिल पाता था सर बात करने के लिए, तो सर मौका नहीं मिला सर। अब कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ,
उससे सब्जी पर भी कुछ न कुछ तो असर पड़ा होगा, माल बेचने में भी? जी सर पड़ा था सर, वो भिंडी जो है कम रेट में बिका, लौकी खीरा वगैरह जो बहुत कम रेट में मिला, तो सर मुझे उस टाइम पे मुनाफा नहीं हुआ सर, और मेरी जो हालत है वो थोड़ी कमजोर हो गई थी सर। तो इस दौरान आपका घर और चूल्हा चलता रहे, इसके लिए सरकार ने अनेक योजना चलाई, महिलाओं के खाते में पैसे भी जमा किए, मुफ्त जैसे भी सारी सुविधाएं दी गई, राशन भी दिया, क्या आपके परिवार को इन चीजों का लाभ मिला क्या? सर आपने जो योजना चलाई है सारी योजनाओं को मेरे पास सर लाभ मिला हुआ है, और अपना आयुष्मान कार्ड भी, जिससे कि मेरे परिवार का निःशुल्क इलाज हो रहा है, और उज्ज्वला योजना के तहत मेरे पास गैस सिलेंडर भी है, जिससे कि मेरे परिवार की माता राम और मम्मी जी मिसेस को खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, और सर जल्दी बन जाता है तो काम मेरा हाथ बंटवा लेती है खेती में। और सर अपना आपके लॉकडाउन के टाइम जो 3 महीने चले हैं, मेरे पास सर गरीब कार्ड भी है, संबल योजना कार्ड, जिसके तहत मेरी पत्नी को लॉकडाउन के समय हर महीने 500 रुपए की राशि उनके खाते में जो प्राप्त हुई है। और सर उनको पहली डिलीवरी के टाइम 16,000 रुपए की राशि भी आपके द्वारा दी गई है सर। सर आपका जो आशीर्वाद है सर। चलिए बहुत अच्छा है। अब आप बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ सर, 1.5 साल की बच्ची है सर मेरे, कनक नाम से। अच्छा जी, तो वो अभी छोटी है सर। तो कुशवाहा जी, आपने तो आपका कॉन्फिडेंस भी बड़ा गजब है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके। और देखिए कितनी हिम्मत है हमारे, आप जैसे हमारे भाई बहनों को तकलीफ आई है, लेकिन आप लोगों की हिम्मत से पूरा देश को भी प्रेरणा मिलती है। और देखिए पीएम स्वनिधि से जो पैसा आपको मिला है जी, उसका उपयोग सही होना चाहिए। कैसे कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, कुछ पैसा जमा करके रखा है, कुछ पैसा निकाल लिया है मैंने, जिससे कि मैं सब्जी रोज लाता हूँ, अपन को 250-300 रुपए का मुनाफा हो जाता है, और सब्जी का जो अपन खरीद के लेके आते वो पैसा भी मेरे को निकल जाता है। तो सर मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ उससे, सर आपका आशीर्वाद से बहुत आगे जाने की सोच रहा हूँ सर मैं सब्जी में। वो QR कोड वाला फ्रेम आपने रखा है वो जरा दिखाइए, कैसे करते हैं इसको बताइए मुझे। हाँ सर, मोबाइल से जो कोई सब्जी लेता है वो कोड खींच के आ जाता है, तो सर मेरे मोबाइल में मैसेज आता है कि आपको इतना पेमेंट, 21 रुपए का सब्जी लिया तो पूरा पैसा जाता है, खुल्ले का झंझट जो 1-2 रुपए का वो नहीं, बिल्कुल नहीं रहता सर मेरे को। देखिए कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी चिल्लाते हैं कि ये मोदी जी क्यों डिजिटल कह रहे हैं। कुशवाहा जी आपने तो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि आपने QR कोड का उपयोग करते हैं, और जो बहुत बड़े बड़े मॉल में जिस प्रकार से कारोबार होता है वो अपने ठेके पर आप कर लेते हैं। लालचंद जी सर, आप तो बहुत सर, आपकी आयु छोटी है, हिम्मत भी बहुत है, और आपने नयापन दिया है, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं जी, आपकी सब्जी का लोग पॉपुलर हुआ है। देखिए स्वनिधि योजना से जो 10,000 रुपये की लोन आज मिली है, लेकिन वो बढ़ सकती है जितना आपको, तो बैंक वाले ही आपकी सब्जी ले जाते हैं, तो आप उनको पता चलेगा तो बहुत मदद करेंगे, और आप बहुत बड़ा कारोबार कर सकते हैं, बड़ी जमीन लेकर के भी आप कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप इसका भरपूर फायदा उठाइए। जी सर। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे मध्य प्रदेश के 378 नगरों में उपस्थित मध्य प्रदेश के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स एवं विभिन्न मीडिया से सुन रहे लाखों लोगों को संबोधित कर मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, प्रशासन से जुड़े लोग, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थी भाई बहन, और इस कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश बाहर के सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब से कुछ देर पहले मुझे कुछ साथियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला, उनकी बातों में एक विश्वास भी है
और एक उम्मीद भी नजर आती है। ये भरोसा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की मैं मानता हूं सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी ताकत है। आपके श्रम की ताकत को, आपके आत्मसम्मान और आत्मबल को मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। देश भर के जो साथी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं उन्हें भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विशेष तौर पर मध्य प्रदेश और शिवराज जी की टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। उनके प्रयासों से सिर्फ 2 महीने के समय में मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि योजना का लाभ सुनिश्चित हुआ है। कोरोना के बावजूद इतने कम समय में 4.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पहचान पत्र देना, सर्टिफिकेट ऑफ वेडिंग देना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा काम है। मुझे विश्वास है कि अन्य राज्य भी मध्य प्रदेश के इस प्रयास से प्रेरणा लेकर के जरूर प्रोत्साहित होंगे और हिंदुस्तान के हर शहर में जितने भी हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं उनको बैंक से पैसा मिले इसके लिए आप सक्रिय प्रयास करेंगे। साथियों, दुनिया में जब भी कोई ऐसा बड़ा संकट आता है, महामारी आती है, तो उसका सबसे पहला और सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे गरीब भाई बहनों पर ही पड़ता है। अधिक बारिश हो जाए तो भी तकलीफ गरीब को, अधिक ठंड आ जाए तो भी तकलीफ गरीब को, अधिक गर्मी आ जाए तो भी तकलीफ गरीब को। गरीब को रोजगार का संकट होता है, उसके खाने पीने का संकट होता है, उसकी जो जमा पूंजी होती है वो खत्म हो जाती है। महामारी से ये सब विपदाएं अपने साथ लेकर के आ जाती है। हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, जो श्रमिक साथी हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले साथी हैं, इन सब से महामारी के संकट को इन सब ने बहुत ज्यादा महसूस किया है। अनेकों ऐसे साथी हैं जो किसी दूसरे शहर में काम करते थे लेकिन महामारी के दौरान उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा और इसलिए कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान पहले दिन से सरकार का, देश का ये प्रयास रहा है कि गरीब की जितनी दिक्कतें हम कम कर सके उसको कम करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करें। देश ने इस दौरान हमारे देश के ऐसे जो लोग तकलीफ में थे उनके खाने की चिंता की, राशन की चिंता की, मुफ्त गैस सिलेंडर भी दिए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाकर लाखों लोगों को इस दौरान रोजगार भी दिया गया। गरीबों के लिए निरंतर हो रहे इन कार्यों के बीच एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत थी। ये थे मेरे रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहन। रेहड़ी ठेले वाले हमारे लाखों साथियों का परिवार तो उनकी रोज की मेहनत से चलता है। कोरोना के कारण बाजार बंद हो गए, खुद की जान बचाने के लिए लोग घरों में ज्यादा रहने लगे, तो इसका बहुत बड़ा असर ये हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं उनके कारोबार पर पड़ा।
उनको मुश्किलों से निकालने के लिए ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना का मकसद है कि वो लोग नई शुरुआत कर सके, अपना काम फिर शुरू कर सके, इसके लिए उन्हें आसानी से पूंजी मिले, उनको बाहर बहुत ब्याज देकर के रुपये लाने के लिए मजबूर न होना पड़े। ये भी पहली बार हुआ है कि रेहड़ी पटरी वालों के लाखों लोगों के नेटवर्क को सही मायने में सिस्टम से जोड़ा गया है, उनको एक पहचान मिली है। स्वनिधि योजना, स्वनिधि से रोजगार, स्वरोजगार, स्वरोजगार से स्वावलंबन और स्वावलंबन से स्वाभिमान की यात्रा का ये अहम पड़ाव है। साथियों, स्वनिधि योजना के बारे में आप सबको बता ही गया है। जिन साथियों से अभी मैंने बात की उन्हें इसकी काफी जानकारी है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि हर जरूरतमंद को, हर रेहड़ी पटरी वाले को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। इस योजना को ऐसे ही इतना सरल बनाया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इससे जुड़ सके। अभी जैसे हमारी बहन अर्चना जी बता रही थी कि उनको एक दिन सरलता से काम हो गया, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है कि रेहड़ी ठेले वाले साथियों को कागज जमा कराने के लिए लंबी लाइनें नहीं लगानी होगी। आप कॉमन सर्विस सेंटर में, नगर पालिका कार्यालय में, बैंक की ब्रांच में जाकर अपना आवेदन अपलोड कर सकते हैं। यही नहीं, बैंक के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और नगर पालिका के कर्मचारी भी आपके पास आकर आपसे आवेदन ले सकते हैं। आपको जैसी सुविधा सही लगे आप उसका इस्तेमाल करें। सारी व्यवस्था इतनी सरल बनाई गई, इसके लिए प्रयास किया गया है। साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। इस योजना के तहत वैसे भी ब्याज में 7% तक की छूट दी जा रही है, ऑलरेडी 7% तो हम कम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे अगर आप समय पर यानी 1 साल के भीतर बैंक से लिए गए पैसों को चुका देते हैं तो आपको ब्याज में और नई छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, जब आप डिजिटल लेन देन करेंगे, अपने मोबाइल फोन से पैसा लेना और देना, थोक व्यापारी को भी मोबाइल से देना और जो आपका खरीद लेने के लिए आता है उनसे मोबाइल से लेना, तो आपके खाते में सरकार की तरफ से इनाम के रूप में कुछ पैसे कैशबैक के रूप में भेजे जाएंगे। यानी सरकार आपके खाते में कुछ पैसे अलग से डालेगी। इस तरह आपकी जो कुल बचत होगी वो ब्याज से भी ज्यादा बचत हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप दूसरी बार ऋण लेंगे तो और भी ज्यादा ऋण की सुविधा होगी। अगर इस बार 10,000 मिला है और आपका अच्छा काम रहा और आपको 15,000 की जरूरत है तो 15,000 हो जाएगा, फिर अच्छा काम किया तो 20,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है। और अभी प्रारंभ में हमारे छगन लाल जी तो बता रहे थे वो 10 गुना करना चाहते, 1 लाख तक पहुंचना चाहते। ये जो सुनता हूं तो बड़ा आनंद होता है।
साथियों, बीते 3-4 साल के दौरान देश में डिजिटल लेन देन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना काल में हम सब महसूस भी कर रहे हैं कि ये कितना जरूरी भी है। अब ग्राहक नकद पैसे लेने देने से बचते हैं, सीधे मोबाइल से ही पेमेंट करते हैं। इसलिए हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथी इस डिजिटल दुकानदारी में बिल्कुल पीछे न रहें, और आप कर सकते हैं। हमारे कुशवाहा जी के ठेले पर हमने देखा, उन्होंने QR कोड लगा के रखा हुआ है। अब बड़े बड़े मॉल में भी नहीं होता है जी, हमारा गरीब आदमी हर नई चीज सीखने को तैयार होता है। और इसके लिए बैंकों और डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने वालों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की गई है। अब बैंकों और संस्थाओं के प्रतिनिधि आपके पते पर आएंगे, आपकी रेहड़ी ठेले पर आएंगे और QR कोड देंगे। उसका उपयोग कैसे करना है ये भी आपको वो बताएंगे, सिखाएंगे। मैं अपने रेहड़ी पटरी वाले साथियों से अपील करता हूं कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा लेन देन डिजिटल करें और पूरी दुनिया के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करें। साथियों, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमारे जो खाने पीने का व्यवसाय करने वाले साथी हैं, जिसको हम स्ट्रीट फूड वेंडर भी कहते हैं, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने की भी योजना बनाई गई है। यानी बड़े बड़े रेस्टोरेंट की तरह ही रेहड़ी ठेले वाले भी अपने ग्राहकों को ऑनलाइन डिलीवरी कर पाएंगे। इस प्रकार की सुविधा देने का प्रयास चल रहा है और थोड़े ही दिन में आप लोग जरूर आगे आएंगे, तो इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की कोशिशों से रेहड़ी पटरी ठेले वालों, फेरी वालों, उनका कामकाज और बढ़ेगा, उनकी कमाई और बढ़ेगी। साथियों, स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी एक और योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़ने वाले पटरी वाले लोग होंगे, उनका जीवन आसान बने, उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। यानी रेहड़ी पटरी या ठेला लगाने वाले मेरे भाई बहनों के पास उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है या नहीं, उनके घर बिजली कनेक्शन है या नहीं, वो आयुष्मान है या नहीं, उन्हें 90 पैसे प्रतिदिन और 1 रुपया महीना वाली बीमा योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, उनके पास अपनी पक्की छत है या नहीं, ये सारी बातें उसको भी देखा जाएगा। और जहां कमी होगी पूरा करने के लिए सरकार सक्रिय रूप से प्रयास करेगी। जिसके पास ये सब नहीं होगा, उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। साथियों, हमारे देश में गरीबों की बात बहुत हुई है, कई लोगों ने तो जिंदगी में बार बार गरीब गरीब ही बोलते रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 साल में हुआ है और बिल्कुल प्लानिंग से हुआ है, एक चीज के साथ दूसरी चीज, दूसरे से जुड़ी हुई तीसरी चीज, हर चीज की भरपाई हो और गरीबी से लड़ने की उसको ताकत मिले और खुद ही गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले, उस दिशा में एक के बाद एक कदम, अनेक नई पहले उठाई गई है और ये पहले कभी नहीं हुआ जो 6 साल में हुआ है। हर वो क्षेत्र, हर वो सेक्टर जहां गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी अभाव में था, सरकार की योजनाएं
उसका संबल बनकर आई है। आप याद करिए, हमारे देश का गरीब तो कागजों के डर से बैंक के दरवाजे तक ही नहीं जा पाता था। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से देश भर में 40 करोड़ से अधिक गरीबों के, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए हैं। इन जनधन खातों से हमारा गरीब बैंक से जुड़ा और तभी तो आसान लोन उसे मिल रहा है। सूदखोरों के चंगुल से वो बाहर निकला है। इन्हीं बैंक खातों की वजह से गरीबों को बिना रिश्वत आवास मिल रहे हैं, किसानों को सीधी उनके बैंक खाते में मदद पहुंच रही है। कोरोना काल में ही पूरे देश की 20 करोड़ से अधिक बहनों के जनधन खाते में करीब 31,000 करोड़ रुपए जनधन योजना के कारण ही जमा हो पाए हैं। इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में 94,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। साथियों, हमारा गरीब इन वर्षों में जिस तरह जनधन खातों से, बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा है, उसने एक नई शुरुआत की है। अब बहुत जल्द शहरों की तरह ऑनलाइन मार्केट से जुड़ेंगे। दुनिया का बाजार हमारे गांवों तक जुड़ जाएगा। इस बार 15 अगस्त को देश ने इसके लिए एक संकल्प लिया है। देश के सभी गांवों को अगले 1000 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा, यानी गांव गांव में, घर घर में तेज इंटरनेट पहुंचेगा। इससे डिजिटल क्रांति के फायदे भी उतनी ही तेजी से गांव तक, गरीबों तक पहुंचेंगे। इसी तरह देश ने डिजिटल हेल्थ मिशन की भी शुरुआत की है, यानी अब हर देशवासी को एक हेल्थ आईडी मिलेगी। आपकी सारी जानकारी सुरक्षित तरीके से उसमें रहेगी। इस आईडी की मदद से आप डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन ले सकेंगे और हेल्थ चेकअप और रिपोर्ट्स भी ऑनलाइन ही दिखा पाएंगे। यानी एक तरह से देखें तो पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से बीमा सुरक्षा मिली, फिर आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिला, और अब डिजिटल हेल्थ मिशन से आसान इलाज की सुविधा भी मिलने जा रही है। साथियों, देश का प्रयास है कि हर एक देशवासी का जीवन आसान हो, हर एक देशवासी समर्थ हो, सशक्त हो और सबसे बड़ी बात आत्मनिर्भर हो। हाल में सरकार ने शहरों में आप जैसे साथियों के उचित किराए में बेहतर आवास उपलब्ध कराने की एक बहुत बड़ी योजना उसको शुरू की है। एक देश एक राशन कार्ड की सुविधा से आप देश में कहीं भी जाएंगे तो अपने हिस्से का सस्ता राशन आप उस शहर में भी ले पाएंगे। आप जहां जाएंगे आपका हक भी आपके साथ साथ चलेगा। साथियों, अब जब आप नए सिरे से अपने व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं तब आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी होगी।
जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, कोई तरीका नहीं निकल आता, कोरोना का खतरा बना ही रहेगा। ऐसे में आपको अपनी भी और अपने ग्राहकों की भी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना है। मास्क हो, हाथ की साफ सफाई हो, अपने स्थान के आसपास की साफ सफाई हो, 2 गज की दूरी हो, इससे किसी भी स्थिति में समझौता मत करना। कोशिश ये भी करनी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल भी न करें। आप कोरोना से बचाव के जितने इंतजाम अपने ठेले या अपनी पटरी पर करेंगे, लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा और आपकी दुकानदारी भी बढ़ेगी। आपको खुद भी नियमों का पालन करना है और सामने वाले से भी इसका पालन कराने के लिए आग्रह करते रहना है। मैं एक बार फिर आप सबको एक नई शुरुआत के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपका कारोबार भी फले फूले, इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।